बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बासा फिश टिक्का बिरयानी। तो बासा फिश ले ली हूँ मैंने, आधा किलो मैंने बासा फिश ले ली हूँ। उसे हम पहले अच्छे से धो लेंगे। उसे अच्छे से धो ली हूँ मैंने, उसे टिक्का के शेप में ऐसा छोटा छोटा पीस कट कर ली हूँ। पहले से हम मैरिनेशन करेंगे। तो हम दही ले लेंगे, गाढ़ा दही लेना है हमें 2 चम्मच जितना। उसमें ऐड करेंगे हम नींबू का रस 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच, 1 छोटा चम्मच जितना। उसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, तो मैंने लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सी गरम मसाला, चाट मसाला ली हूँ मैंने, टिक्का मसाला 1 चम्मच, नमक ली हूँ, अजवाइन ली हूँ 1/2 चम्मच और कसूरी मेथी ली हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने हरा धनिया उसमें ऐड करेंगे। और राई का तेल मैंने ली थी, राई के तेल को हमें बनाना है, तो इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। और भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे, चने का आटा 2 छोटे चम्मच ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और राई का तेल मैंने 2 बड़े चम्मच ली थी, उसे अच्छा सा गरम करके 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर दी थी, तो वो ऐड करेंगे। इसका इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है टिक्का में। 2 से 3 चम्मच हम ऐड करेंगे इसमें, और इससे कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। तो ये आप ज़रूर ऐड करें। अच्छा, अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और इसमें हम बासा फिश ऐड कर देंगे, और फिश को हम अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों, अच्छे से हाथ धो के हाथों की मदद से हम मिक्स करेंगे। और इसे हम मैरिनेशन करके रख सकते हैं आधे से, आपके पास टाइम है तो रखें, नहीं तो हम तुरंत भी बना ले सकते हैं। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेशन करके रखूंगी। अगर टाइम नहीं है तो आप तुरंत बना ले सकते हैं। इसे मैं रख दूंगी आधा घंटा। अभी एक पैन, एक कढ़ाई ले ली हूँ, इसमें आलू ऐड करूंगी, आलू फ्राई कर लूंगी। ऑयल ले ली हूँ, और बिरयानी में आलू लगते ही है तो मैं आलू ऐड कर रही हूँ। आपको अगर आलू नहीं पसंद है तो आप आलू ना डालें। वैसे हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे, उसे निकाल लेंगे। अभी इसी तेल में हम गरम मसाले ऐड करेंगे, जीरा 1 चम्मच, दालचीनी के 2 टुकड़े, हरी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, वो सब ऐड कर देंगे। और जावित्री का 1 टुकड़ा ली हूँ, वो हम ऐड कर देंगे। उसके बाद एक प्याज, 2 बड़े प्याज ली थी, इसे मैंने चॉप कर ली हूँ, और प्याज को हम गोल्डन होने देंगे। अभी हम ये बिरयानी का मसाला तैयार कर रहे हैं, तो इसे हम गोल्डन होने देंगे। अच्छे से हम लाइट गोल्डन कर लिए हैं। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी मैं 2 चम्मच, से अच्छे से भून लेंगे हम अदरक लहसुन को। कच्ची स्मेल जाने तक हमें अदरक लहसुन को भूनना है। बहुत ही जल्दी बन जाती है रेसिपी और बहुत ही टेस्टी बनती है। और टमाटर ऐड कर देंगे,
अभी हम नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से टमाटर हमारा जल्दी गल जाता है। टमाटर गल चुके हैं तो अभी लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच तीखी वाली मिर्ची, हल्दी पाउडर आधा चम्मच जितना ऐड करेंगे हम। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 चम्मच। और गरम मसाला आधा चम्मच, और मैंने टिक्का मसाला ले रही हूँ 1 चम्मच, और 1 चम्मच बिरयानी मसाला। इसे अच्छे से भून लेंगे हम। मसालों को उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि मसाले हमारे लगे नहीं। अच्छे से हम इसे भून मसालों को अच्छे से भूनेंगे। उसमें मैं दही ऐड कर दूंगी, 100 ग्राम जितना दही ऐड करूंगी मैं। और दही को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हरी मिर्ची और कोथमीर पुदीना ऐड करेंगे, और 2 से 3 मिनट हम अच्छे से भूनेंगे। इसे ढक के पका लेंगे मसाले को थोड़ा, 1 से 1.5 मिनट। देखिए मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है, अच्छे से मैंने भून ली हूँ। अभी इसे हम साइड में रखेंगे और टिक्का रेडी करेंगे। तो एक पैन ली हूँ, इसमें ऑयल ऐड करेंगे हम मच्छी तलने के लिए। 2 से 3 चम्मच हम ऑयल लेंगे। इसे हम गरम होने देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और एक एक करके मच्छी के टिक्के रख देंगे। जितना आएगा उतना हम ऐड करेंगे इसे, और दो गोल्डन फ्राई कर लेंगे हम टिक्का। दोनों तरफ से हम सेक लेंगे अच्छे से, अल्टी पल्टी करके हम सेक लेंगे। आप नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल करें। अच्छे से हम, क्योंकि फिश है ना बहुत ही वो रहती है, टूट जाती है। देखिए मैंने दोनों तरफ से अच्छे से सेक ली हूँ, टिक्का बना ली हूँ। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही सारे टिक्का मैंने फ्राई की हूँ। ग्रेवी भी हमारी रेडी है, और मच्छी भी मैंने फ्राई कर ली हूँ सैलो फ्राई। अभी हम चावल बना लेंगे। चावल को आधा किलो मैंने बासमती राइस 1 घंटा भिगो ली थी, तो ये तपेली में मैंने पानी ले लियो। उसमें हम खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जीरा, तेज पत्ता, हरी इलायची, लौंग और काली मिर्च, वो ऐड कर देंगे। पुदीना और कोथमीर ऐड करेंगे। उसमें बॉईल आने देंगे। ऑयल ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच, और नमक ऐड करेंगे। और नमक इसमें बॉईल आने देंगे हम।
बॉईल आ चुका है, तो अभी इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल हम लोग को 80% कुक करना है, 80-90% हम कुक करेंगे चावलों को। नींबू का रस ऐड कर देंगे, एक नींबू का रस, चावल हमारा टूटे नहीं करके हम नींबू ऐड करते हैं। तैयार है हमारा चावल, 90% कुक हो चुका है। इसे मैं एक छन्नी में निकाल लूंगी। अभी पहले हम ऑयल ऐड करेंगे और एक चावल की लेयर लगाएंगे। आधा चावल हम एक आधे चावल की लेयर पहले हम लगा लेंगे। उसके बाद हम मसाला मसाला उस पर बिछा देंगे मसाले को। मसाला पूरा ऐड, मैं पूरा मसाला बिछा दूंगी उस पर। अब इसमें कोथमीर और पुदीना ऐड कर दूंगी। बिरिस्ता ऐड करेंगे, थोड़ा आलू ऐड कर देंगे। और मच्छी भी हम इसमें ही ऐड ऊपर रख देंगे। उसके ऊपर अभी हम चावल, फिर पूरा चावल है जितना बचा वो पूरा चावल ऐड कर देंगे उस पे। पूरा चावल हम बिछा देंगे उसके ऊपर। पे मैं ऑयल ऐड कर दूंगी, बिरिस्ते का जो ऑयल था वो ऐड करेंगे हम। आप चाहे तो घी भी ऐड कर सकते हैं। उस पे फूड कलर ऐड करेंगे हम, रेड फूड कलर। अगर आप नहीं फूड कलर ऐड करना चाहे तो स्किप कर दे। बिरिस्ता ऐड कर देंगे उस पे। कोथमीर और पुदीना ऐड करेंगे और दम पे रखेंगे हम। दम पे रखने के लिए मैं 5 मिनट फास्ट पे रखूंगी और 10 से 15 मिनट में स्लो आंच पे रखूंगी। तवे पे रखूंगी, मैं हैवी बॉटम का तवा ले ली हूँ, उसके ऊपर मैं दम पे रखूंगी। फास्ट फ्लेम पे हम पहले तवा गरम कर लेंगे, उस पे रख देंगे। उसके बाद 15 मिनट स्लो आंच पे दम कर लेंगे। तैयार है हमारा, हमारी टिक्का बिरयानी, फिश टिक्का बिरयानी रेडी है। कैसी लगी रेसिपी आप लोग ज़रूर बताना और एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको जो पसंद हो वो फिश की रेसिपी इस तरह से बना सकते हैं। कैसी लगी रेसिपी जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और फैमिली फ्रेंड में शेयर करना और कमेंट जरूर करना आपको रेसिपी कैसी लगी। और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।